May I? आज तो बहुत मजा आया, you know. देख कैसे घूर घूर के देख रहा है. लगता है तुझ पर लट्टू हो गया ये सब. हेलो मैडम, हाउ आर यू? आशा करता हूँ कि आपके जीवन में सब कुशल मंगल होगा. नहीं है कोई परेशानी? है हेलो, मेरी बात तो सुनो. हेलो हेलो, मैना मेरी मैना. चिंता मत कीजिए, कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे आपका परेशान. हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? कपड़ों के साथ साथ गिफ्टिंग सर्विसेज भी स्टार्ट कर दिया क्या आप लोग ने? सॉरी मैडम, पर क्या हुआ? मेरे पैकेट में मेरा सामान नहीं है, एक गिफ्ट है एक लव नोट के साथ. हाउ डेयर यू गाइस डू दिस? आपका शॉप बंद करा दूंगी मैं. आई रियली सॉरी मैम, गलती से एक्सचेंज हो गया होगा. अगर 5 मिनट में आप लोगों ने वापस फोन नहीं किया ना तो देख लेना. अरे मेरी मैना, जाओ यहाँ से. शॉपिंग मॉल में तेरा बैग एक्सचेंज हो गया, तेरे वही वापस देने का. मैं तेरे को बाप रे, इतना गुस्सा. हाय मेरी बहना, हाउ आर यू? अच्छी लग रही है. क्या हुआ, डर लग रहा है? अरे डर मत, अरे मैं तेरा फैन हूँ. अरे कजरा रे, ये पागल कहाँ मिल गया तेरे को? पता नहीं कब से मेरा पीछा कर रही है. तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ. पुलिस कंप्लेन कराए इसकी? मुझे कोई कंप्लेन नहीं करानी, मैं ये शहर ही छोड़कर जाना चाहती हूँ. जब से आई हूँ तब से कुछ न कुछ
तो चुप कर यार। भैया आप राशमीरा पुलिस स्टेशन लेना। नहीं भैया आप सीधा ही चलो, मुझे इस पुलिस पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है यार। तो चुप कर यार। भैया आप लो इसकी मत सुनो, तू पागल है क्या? प्लीज स्टार्ट बिलीविंग इन आवर सिस्टम, हमारी पुलिस बेस्ट है और ये कंप्लेन कराना बहुत जरूरी है प्राची। जयंती छोड़ना यार, वैसे भी कम लफड़े हैं क्या लाइफ में? भैया आप इसकी सुनो मत, आप बस चलो। तो आपका कोई पीछा कर रहा है, आपको स्टॉप कर रहा है, मगर क्यों? कोई बात, कोई वजह सोचिए। नहीं पता सर। किसी से कोई दुश्मनी, कोई धमकी? जी नहीं। तो किसी ने आपको प्रपोज किया या कोई शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश? ये कैसा सवाल है सर? देखिए सुनने में अजीब लगता है लेकिन स्टॉकिंग आमतौर पर इन्हीं वजहों से होती है। देखिए आदमी जो आपको फॉलो करता है, कि इसने आपके साथ कभी कोई असली हरकत की हो, कोई भद्दी सी बात कही हो? नहीं सर, वो बस हमेशा कोई ना कोई गाना गाता है। ठीक है आप चिंता मत कीजिए। सावन। हो सर। अब एक काम कीजिए, अगली बार जब ये आदमी आपको फॉलो करता है अपने मोबाइल कैमरे से उसकी फोटो ले लीजिए, और अगर वो फॉलो करता है तो हमारे पास उसकी फोटो होगी जिससे उसे पकड़ने में आसानी होगी। और एक बात, हो सकता है कि वो आपको अकेली औरत समझकर परेशान कर रहा हो, अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रहने के लिए बुला लीजिए, अगर कोई मर्द है तो और अच्छी बात है। तो ऐसा तो कोई नहीं है, इन-लॉज बूढ़े हैं और मॉम डैड नहीं रहे, और कोई ऐसा कोई फ्रेंड भी नहीं है जो मेरे साथ आखिर रह पाए। प्राची तू टेंशन मत ले, मैं रह लूंगी तेरे साथ। थैंक यू जयंती, तू मेरे साथ यहाँ रहने आ गई। पागल है, जा जा। स्टॉकिंग यानी कि बुरी नीयत या गलत इरादे से किसी का पीछा करना, ईव टीजिंग, छेड़खानी, ये ऐसे अपराध हैं जिन्हें अधिकतर हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं लेकिन कई बार इनका अंजाम बहुत खतरनाक हो जाता है। अक्सर ऐसे अपराधियों पर कोई सामाजिक दबाव नहीं होता कि अगर मुझे किसी ने ये गलत हरकत करते हुए देख लिया तो मेरी और मेरे परिवार की छवि खराब हो जाएगी। ये अपराधी इस बात पर यकीन करने लगते हैं कि अगर किसी लड़की या औरत के पीछे लगातार पड़े रहो तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। ये सोच, ये मानसिकता गलत है, चाहे हंसी मजाक में ही सही, पर जब हम किसी स्टॉकिंग करने वाले या छेड़खानी करने वाले अपराधी को रोड साइड रोमियो कहकर बुलाते हैं तो हम उस अपराध या अपराधी को कहीं ना कहीं ग्लैमराइज करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये हमारे किसी अपने के साथ भी हो सकता है। इसी विकृत मानसिकता का सहारा लेकर प्रशांत भोटक के प्राची पर दबाव डाल रहा था लेकिन उसका मकसद क्या था ये अब तक साफ नहीं हो पाया था। जयंती थोड़ा जल्दी कर। प्राची तो रिलैक्स करना, इतना टेंशन क्यों ले रही है? मत सोच इतना, ये लो भैया पैसे, चलो। और मेरी मैना, ठीक सर। सुनो तो मेरे ससुराल गई थी और वहां से मेरे लिए एक दुल्हन भी लेके आई, पर कुछ फायदा नहीं है। ओ सेल्फी लेना लेना, सेल्फी ले रही है। दूर रह, मैंने कहा दूर रह, नहीं तो। नहीं तू क्या करेगी, तू हंसेगी मुझ पे उस दिन की तरह? तो ऐसा नहीं मानेगा, तो ऐसा नहीं मानेगा, निकल जा यहां से, अकेली लड़के को देखे छेड़ता। ये गलत कर रही है तू, हम क्या दे रहा है, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। आप लोग तमाशा क्या देख रहे हो, पकड़ो सारे को, आगे आना मत तू कभी, खबरदार जो देखा काट डालूंगी। देखा ये सड़क छाप गुंडे ना लातों के भूत होते हैं, दो गालियां क्या दी उसके बाद से दिखाई नहीं। हाँ मैं बेकार में डर रही थी ना, कह रही थी देखो। देखो हाँ बहुत मिस करती है ना मुझे, कुछ दिन मेरी फोटो से काम चला लीजिए, तब तक आपके दोस्त का इंतजाम हो जाएगा। क्या हुआ, ये तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? देखा इतनी हिम्मत इस कमीने की, प्राची मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ। जयंती तू चिल कर, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं, अब पता वो क्या करता।
जानती है इसे? जी नहीं। कभी किसी के साथ देखा हो? नहीं। सावन, इस फोटो की कॉपीज बना के आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दो, दिखते ही पकड़ने होंगे। हो सर। प्राची जी अब घर जा सकती है निश्चिंत होकर, अब इसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। जी थैंक यू। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, जयंती का फोन नहीं लग रहा है, वो कहाँ है? आंटी वो किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में थी, बैटरी डेड हो गई होगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ लेकिन वो तुम्हारे यहाँ पर ही है ना आजकल, जरा मेरी उससे बात करा देना। जी आंटी। अरे तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, टंग 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 टंग। क्या है ना, मैं ना तेरे घर की खिड़की खुली थी, मेरे को लगा कोई चोर आके घर लूट लिया, तो इसलिए मैं आ गया हिफाजत करने, इस घर की और तेरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। देखो मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। तो एक बात याद रखना, मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन तेरे को बांट नहीं सकता किसी के साथ भी नहीं। तू तो सीरियस हो गई है। ये क्या करने आया था? कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगाया? हेलो, हाँ जयंती है तुम्हारे पास? जयंती तुम्हारे पास आई है क्या? ओके थैंक्स। ये गलत कर रही है तू। हम क्या दे रहा है? बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन तेरे को बांट नहीं सकता किसी के साथ भी नहीं। सर जयंती कहीं नहीं मिल रही है, ना ऑफिस में है ना घर पे। अरे कहीं बाहर गई हो? नहीं सर, ये उसी की चाल है। आज शाम को जब मैं घर गई तो मेरे घर के अंदर बैठा हुआ सर। उसने जरूर जयंती के साथ कुछ किया है, वरना वो अपनी माँ से तो बात करती। ये स्टॉकर आपके घर के अंदर था? जी। आपके घर से कोई सामान चोरी तो नहीं हुआ? नहीं सर, लेकिन आप प्लीज जयंती की मिसिंग कम्प्लेन तो फाइल कीजिए। देखिए हम ऐसे 24 घंटों के अंदर किसी की मिसिंग कम्प्लेन नहीं फाइल कर सकते। ठीक है सर, तो अबडक्शन की किडनैपिंग की तो फाइल कर सकते हैं ना? ठीक है, मगर कोई मैसेज या कॉल तो आने दीजिए। देखिए मैडम आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं, आप आराम से घर जाइए और रिलैक्स कीजिए। हम जयंती को ढूंढ लेंगे और इस स्टॉकर को भी पकड़ लेंगे। मैं आपको दो कांस्टेबल देता हूँ जो आपके घर को गार्ड करेंगे। सावन, मोरे। ओ सर। आप दोनों मैडम के साथ उनके घर जाकर उनके घर को गार्ड करो। ओ सर। पुलिस ने दो कांस्टेबल देकर प्राची को बाहरी सुरक्षा तो दे दी थी, लेकिन एकाएक अपनी ही सहेली का यूं लापता हो जाना कहीं ना कहीं उसे कमजोर बना रहा था। वो मन ही मन बस यही दुआ कर रही थी कि जयंती बिल्कुल ठीक हो। वैसे भी आजकल महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखकर वो अपने आप को कम ही सुरक्षित महसूस करती हैं। प्राची भी अपने मन में कई आशंकाएं लिए सुबह का इंतजार कर रही थी। Thank you.
जयंती, कहाँ थे तुम और वहां से छूटे कैसे? छूटे कैसे मतलब? मतलब उसने तेरा किडनैप किया था ना? किडनैप? पागल है क्या? मेरा कोई किडनैप वगैरह नहीं हुआ था। मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं लोनावला चली गई थी यार। जयंती देख, अगर उसने तेरे साथ कुछ भी किया है तो अरे बाबा, मेरा कोई किडनैप वगैरह नहीं होता। क्या मैं तुझे सवाल कर रही है यार? बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं प्राची बोल रही हूँ। वो जयंती वापस आ गई है। क्या? आपने तो कहा था कि उनका अपहरण हुआ है। I'm sorry, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। कोई बात नहीं, वैसे हमने कल रात को ही बोटके को पकड़ लिया। जी थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तुझे क्या लगा था मुझे ससुराल भेज के खुद मायके में सुकून से सो लेगी तू? अरे जान बस्ती मेरी तुझ में, ऐसे थोड़ी ना पीछा छोड़ूंगा पगली। वैसे तो टेंशन मत ले, मैं भी उतना ही वफादार हूँ जितना तेरा डेविल था। तेरा प्यारी ऐसा है पगली, इंसान तो क्या साला कुत्ता भी पागल हो जाए। बस एक काम करना, डेविल की तरह मुझे हमेशा के लिए सुलाना मत, कोशिश भी मत करना। ओके? आपने इसे छोड़ क्यों दिया? देखिए प्राची जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, और उसने अपने वकील को बुला लिया तो मुझे उसे छोड़ना ही पड़ा। पता नहीं कैसे उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, यहाँ तक कि उसे उसे डेविल के बारे में भी पता है। जयंती के अलावा बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में। डेविल? ये डेविल कौन है? मेरा पेट डॉग था, वो पागल हो गया तो मेरे हस्बैंड ने उसे इंजेक्शन दिलवाकर उसे सुला दी। देखिए प्राची जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई करीबी स्टॉकर के साथ मिला हुआ है जो उसे आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो काफी कम लोग जानते हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं शहर में बहुत कम लोगों को जानती हूँ और मैं उन सब पे बहुत भरोसा करती हूँ, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मगर मैं फिर भी कहूँगा अब अपने जान पहचान वालों पर नजर रखिए। जयंती, हाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती हो। धोखा? क्या हुआ? तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही थी? किसके साथ? उस लफंगे स्टॉकर के साथ मार्केट में क्या कर रही थी तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं किसी के साथ नहीं थी, गलतफहमी हुई है तुम्हें। मेरा दिमाग खराब हुआ है? मुझे गलतफहमी हुई है और तुम जो उसके साथ मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर रही हो? Shut up, प्राची, you have lost it completely. अपनी बेस्ट फ्रेंड पे कोई इस तरह शक करता है, तुम्हें दुनिया का हर आदमी वो स्टॉकर लगता है। Just get lost. निकल जाओ यहाँ से. You know what? You're right. No one can help you. रुकिए मैडम, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? घर। रुकिए आप एक मिनट। राजे सर, ये जयंती मैडम एकदम से अपने घर जा रहे हैं। क्यों? मालूम नहीं साहब, कुछ इनका झगड़ा वगड़ा हो लगता है। एक काम कर, तू उन्हें घर ड्रॉप करने जा, और मोरे को बोल वहाँ से नहीं ले, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। हो साहब, चलिए मैडम मैं आपको छोड़ देता हूँ।
वो कहते हैं ना, जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। प्राची का दामन भी सच से जल गया था। जयंती ने उसके विश्वास का सरे बाजार कत्ल किया था। लेकिन अगर जयंती वाकई सच कह रही थी कि वो स्टॉकर भोटके के साथ नहीं थी बल्कि किसी और के साथ थी, तो इसका मतलब ये था कि स्टॉकर के डर ने प्राची का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था और ऐसी सूरत में आने वाला हर पल उसके लिए मुसीबत ला सकता था। चेक करता हूँ मीटर बॉक्स। आपका मीटर बॉक्स कहाँ पर है? बैकयार्ड में। कह रहे मैं ना, घबरा मिस का है, हाँ? प्लीज डोंट वरी, मैं हूँ ना। बाप रे, क्या खुशबू है! मैं तो पागल हो जाऊंगा भाई। गॉड, मैडम क्यों चला गया था? मैडम क्या आप ठीक हो? मैडम छोपली भी फ्लिकी का? मैडम आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर पे जाना चाहिए, पर इस बारे में किसी को बताइएगा नहीं। हो सके तो कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी अवॉइड कीजिए। Thank you.
हाँ, इस नई जगह पे आके थोड़ा अच्छा लग रहा है और फाइनली उसे पीछा भी छूटा। हाँ कि खुशियां क्षणभंगुर होती हैं, एक पल है दूसरे पल नहीं। प्राची की जिंदगी में भी खुशी और डर की लुका छिपी चल रही थी। प्राची को लगा था कि उसे स्टॉकर से निजात मिल गई, पर ना जाने वो कहां से एक बार फिर से सामने आ गया। इस झटके के लिए प्राची बिल्कुल तैयार नहीं थी, वो पूरी तरह से हिल गई थी। अरे मैडम आप, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, वो वहां भी पहुंच गया। वहां कैसे? यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो वहां पहुंचा कैसे? एड्रेस तो आपके पास ही था ना, और किसी के पास नहीं था वो एड्रेस, तो वो वहां कैसे आया? मैंने रास्ते में टैक्सी तक बदली थी, कैसे पहुंचा वो वहां पे? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, वो स्टॉकर वहां पहुंचा कैसे? मैडम आप शांत हो जाइए, आप पहले बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। देखिए मुझे कैसे पता होगा? आप कब जानते हैं? क्योंकि एड्रेस उसको आप ही ने दिया है। देखिए इस तरह मुझ पे ब्लेम करना गलत होगा, मैं भी नहीं जानता कि हुआ कैसे। देखिए आप शांत हो जाइए। सावन मैडम थोड़ी चांद वैसे आप ये सिंगा ना खाइए। आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक विक्टिम की लाइफ का इतना मजाक बना रहे हो आप लोग? कितने पैसे दिए उस लोगों ने आपको? ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ए राजे क्या चल रहा है? अरे ये केस तेरे से हैंडल नहीं होगा रे, अब ये केस मुझे ही देखना पड़ेगा। नमस्कार। प्रशांत भोरटके, सीनियर इंस्पेक्टर, आपकी सेवा में हाजिर है। कहिए क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? प्राची का शक सही निकला, पुलिस भोरटके की सिर्फ मदद ही नहीं कर रही थी बल्कि उसके लिए रास्ता भी साफ कर रही थी। लेकिन क्यों? क्या स्टॉकर भोरटके एक पुलिस इंस्पेक्टर था इसलिए, या फिर वजह कुछ और ही थी? क्या भोरटके प्राची की सुंदरता पर मोहित हो गया था, या उसे अकेला देख वो उसे डराकर उससे पैसे इटना चाहता था, या फिर प्राची के अतीत का कोई सिरा जुड़ा था भोरटके से? सर हमारी बहू प्राची हमसे झूठ बोल रही है। उसने कहा कि मेरा बेटा अमेरिका गया और वही दूसरी औरत के साथ बस गया, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता सर। अब तो उसने नौकरी भी पकड़ ली, शादी के पहले कहती थी नौकरी नहीं करेगी सिर्फ आनंद को संभालेगी, अब तो हमसे रिश्ता भी तोड़ दिया उसने। अब अगर आपके बेटे ने आपकी बहू प्राची को छोड़ दिया है तो जीवन यापन के लिए उसे काम तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे भी साहब आप समझ नहीं रहे। जरूर उसने मेरे बेटे के साथ कुछ किया, नहीं तो मेरा बेटा एक फोन तो करता, इतने दिनों से उसने एक कॉल भी नहीं किया है। साहब जब से मेरे बेटे ने नौकरी पकड़ी है वो हर महीना हमें पैसे भेजता था, अब तो पैसे भेजना भी बंद कर दिया उसने। सर मेरे बेटे के साथ वाकई में कुछ हो गया है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। देखिए आप हाथ मत जोड़िए, आपको एसीपी खान ने दिल्ली से भेजा है और आप लोगों ने कंप्लेंट भी लिखवा दी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जैसे कुछ पता चलता आप लोग को बता देंगे। अभी आप लोग जाइए। वोट अगेन सर, ये आनंद कपूर और प्राची कपूर की डिटेल निकालो, पता तो चले आखिर माजरा क्या है। सर जी 14 जून को आनंद ग्रेट एवेस की फ्लाइट से सैन फ्रांसिस्को चले गए, 9 बजे की सुमेरु कैब से गए थे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने 2 बार उनसे फोन पर बात हुई थी,
और फ्लाइट बोर्ड करते वक्त भी उन्होंने मैसेज किया था, ये देखिए। फिर उनसे एक दो बार हाइप पर बात हुई थी। सर, ये आनंद कपूर की फ्लाइट एंड कॉल डिटेल्स कार्ड आणि यांचा नंबर सपन। जी आगे। जी फिर एक दिन जब मैं उनसे हाइप पर बात कर रही थी तो मैंने देखा कि उनके होटल रूम में एक फॉरेनर लड़की उनके साथ थी। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कौन है तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ उन्हीं के साथ रहते हैं। इस बात पर हमारी बहुत लड़ाई हुई, उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, फ्रेंड्स बुक वगैरह सबसे ब्लॉक कर दिया। पर आपने अपने इन-लॉ से रिश्ता क्यों तोड़ा? मैंने उनसे रिश्ता नहीं तोड़ा, बस थोड़ी सी दूरी बना ली, ज्यादा फोन वगैरह पे बात नहीं होती। वही तो, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा ही सही है और मैं गलत हूँ, कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कि मैं उनके बेटे को बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको तो पता ही है ना हमारा समाज कैसा है, गलती चाहे आदमी की ही हो उंगली हमेशा औरत पर ही उठती है, हमेशा औरत ही झेलती है। मैं भी बस झेल ही रही हूँ, पर बस अब और नहीं सुना जाता। सर, इस आनंद कपूर के फ्लाइट डिटेल्स और डिपार्चर्स के मुताबिक उस दिन वो विदेश तो गया, डोमेस्टिक फ्लाइट में भी नहीं चढ़ा था, लेकिन उसके फोन डेटा रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो एयरपोर्ट जरूर गया था। उसने अपने फोन से सुबेरों की कैब भी बुक की थी और अपने क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट भी की थी। सर, उसने एयरपोर्ट से अपने बीवी प्राची को फोन भी किया था और उसके बाद उसने अपने फोन को स्विच ऑफ किया जो अब तक बंद है। राजे, उसने अमेरिका से कॉल भी किया था ना? यस सर। उसके कोई डिटेल्स? सर, तो इंटरनेट कॉल होता, आईपी एड्रेस नहीं ट्रेस आला। ऐसा है क्या? राजे, ये प्राची का हस्बैंड उसके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा? आनंद की कोई इन्फॉर्मेशन? जी सर, आनंद डिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड के तीन डायरेक्टर्स में से है। करीब 2 से 3 साल पहले उन्होंने कंपनी शुरू की, अक्सर एब्रॉड जाते रहते हैं काम के सिलसिले में। हाँ बोल। सर, आनंद कपूर का सेलफोन लोकेशन अमृतसर में एक्टिव हुआ है 2 मिनट पहले। अमृतसर में? जी, गोल्डन टेम्पल के आसपास, पर एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है। ओके, ठीक है। राजे, आनंद का नंबर सर्विलेंस में डाल और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल। सर, क्या प्राची का पति आनंद वाकई में उसे धोखा दे रहा था? क्या वो वाकई अमेरिका चला गया था या फिर इंडिया में ही कहीं छुपा हुआ था? अगर इंडिया में था तो कहीं किसी षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो गया था या फिर खुद किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगा हुआ था? सच क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तक आते आते एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि प्राची को अकेली औरत समझकर वो टके उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन उसका मकसद क्या था इसका एहसास अब तक किसी को नहीं था। जब आप पंजाब में रहते थे तब आनंद रेगुलरली गोल्डन टेम्पल जाया करता था। सर, आनंद भाई बहुत अच्छे आदमी है, मिलनसार भी, ऐसा हो ही नहीं सकता वो अपनी पत्नी को धोखा दे सके। सर, आनंद हमारा पार्टनर है, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसे गायब नहीं हो सकता। सर, आनंद ने फ्लाइट में बैठकर हमें मैसेज भी किया था, वो एक फोन कंपनी से मीटिंग के लिए जा रहा था, हमारा सारा बिजनेस वही लाता है। जी सर, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स मेल कर देता हूँ। आनंद सर नए डील्स के लिए पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करते थे, उस दिन जाने के बाद भी किए थे। नहीं साहब, हमारे साहब का लफड़ा किसी के साथ नहीं था। ठीक है, तू जा। राजे, ये आनंद का कैरेक्टर मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मतलब जाने के बाद भी इसने बैंक से पैसे निकाले, उसका एक बार बैंक डिटेल चेक करते हैं। सर, बोल जावेद। सर, प्राची 3 बजे LCC कंपनी के अंदर घुसी थी, 3 से 4 घंटे हो गए हैं, ऑफिस में छुट्टी हो गई है, लगभग सारे स्टाफ जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अंदर ही है। सर ठीक है, तू वहीं पे रुक, हम पहुंचते हैं, तू हिलना मत वहां से। तलाशी लेनी है, चल। मॉनिटर रूम कहाँ है? सर, वो ऊपर है। राजे, तुम लोग जावेद के साथ जाओ और पूरी बिल्डिंग में छान मारो। सर, ठीक है सर। बैठे, 3 बजे के बाद की फुटेज दिखाओ। ऑस्कर, थोड़ा पीछे ले।
ओके। प्राची बिल्डिंग में एंटर हुई। बाथरूम में गई। सर ये तो बाथरूम से निकली नहीं। सर बाथरूम में से कुछ हो तो नहीं गया? चेक कर ले। लेट्स गो। बाथरूम गए तो नीचे चलो। सर वॉशरूम इधर है। सर कुछ मिला? सर ये गायब कहाँ हो गए? खिड़की के बाहर तो ग्रिल है और बाहर जाने का रास्ता सिर्फ ये दरवाजा है। राजे आई थिंक हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। एक काम करते हैं फिर से बॉडी चेक करते हैं। एक बार फिर से रिवाइंड कर। ये औरत बाथरूम एंटर कब हुई थी? ओहो यहाँ तो शराफत में भी मिलावट है राजे। राजे कपूर को जितना शरीफ हम लोग समझ रहे हैं ना उतनी वो है नहीं। थैंक्स मैन लेट्स गो। राजे प्राची पहले ऑफिस जाती है फिर सीधा बाथरूम और वहां से कपड़े चेंज करके घूंघट में बाहर निकलती है ताकि उसे कोई पहचान न पाए। ये ऐसा क्यों करती है और कहां जाती होगी? कहीं वो अपने पति से तो मिलने नहीं जाती? हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राची इस गेम में अपने हस्बैंड के साथ शामिल है? पॉसिबल है सर, लेकिन सर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। वही तो प्रॉब्लम है राजे कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इसके बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड्स, हर एक मूवमेंट एकदम क्लीन है और कोर्ट प्रूफ मांगता है। यस सर। और इस प्राची का तो कोई बॉयफ्रेंड का भी चक्कर नहीं और जब से इसका पति गायब हुआ है तो शहर के बाहर भी नहीं गई। बट राजे हम लोग हराना जानते हैं, हारना नहीं। बुजुर्गों की एक कहावत है कि चिड़िया कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना भर ले पर दाना चुगने वो नीचे उतरती है और हम इसे अपने जाल में फंसा के रहेंगे। राजे मेरे पास एक प्लान है, बस जरूरत है तो ऐसे भी साहब के परमिशन की। सर हाँ बोलो समीर। इतना अर्जेंट क्या था जो तुमने मुझे यहाँ रोक के रखा? सर आपसे एक परमिशन चाहिए थी। किस बात की? सर प्राची कपूर इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन क्यों? सर मुझे लगता है ये औरत अपने हस्बैंड के साथ मिलकर कोई बड़ा गेम खेल रही है। बहुत ही शातिर लोग हैं सर, क्या करें उठा ले। अगर ये लोग इतने ही शातिर हैं तो हो सकता है ये हमें फिर से चकमा देने की कोशिश करें। इन पे कड़ी नजर रखो। सर शेर की एक आदत मुझे बहुत पसंद है कि मारने से पहले अपने शिकार के साथ वो खेलता बहुत है। तो तुम भी खेलना चाहते हो? ठीक है खेलो, लेकिन अपनी हद में रह के। सर राजे अब स्टॉकिंग होगी तो एक अच्छे पर्पस के लिए। मतलब ये कि प्राची कपूर डरेगी तो गलतियां होंगी और उसके पत्ते खुलेंगे, फिर उसके दोस्त उसे बचाने बाहर निकलेंगे और फिर चल देखते हैं। मस्त बना और लेकर आई। रुको आई एम नॉट, पेट भर रहा है, बस करना एक ग्लास पानी। अभी लेकर आई। सर ओके सर, हाँ ठीक है सर। आजा सर क्यों यहाँ लौकर? ठीक है सर, ठीक है ओके सर, मैं आ रहा हूँ। आ रहा मीनाक्षी लौकर। नाश्ता तो कर लो, हमेशा घाई में रहते हो आप। मैंने कर लिया तो कर ले, ये तो शाम को जल्दी आना खाने के लिए। हो सर
वोट आगे, ये मैं क्या सुन रहा? क्या हुआ सर? तुम इन्हें स्टॉक कर रहे हो, इनका जीना मुश्किल कर दिया। एक पुलिस ऑफिसर होकर तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? सर मैंने कुछ नहीं किया है। एक्चुअली सर ये औरत झूठ बोल रही है, ये औरत पागल है। इसका हस्बैंड पहले से मर चुका है, बट इसे लगता है कि अभी तक वो जिंदा है और विदेश में है, जबकि सच ये है कि वो विदेश गया ही नहीं है। और अगर विदेश में है तो ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है, पूछिए इनसे। सर मेरे को लगता है इसका हस्बैंड इसके साथ कोई गेम खेल रहा है, या तो ये दोनों मिलके हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। सर पहले मेरे पति ने मेरी जिंदगी का मजाक बनाया और अब ये बना रहे, पता नहीं ये मुझसे क्या चाहते हैं। सर बोल रहे सर यू आर सस्पेंडेड। क्यों भोटक के परेशान कर रहा था प्राची को? आखिर प्राची का सच क्या था? ये राज खुलेगा कल रात 10:30 इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में, जो आपको अचंभित कर देगा, आपके भरोसे की बुनियाद को हिला देगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको, जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.